ये चाप है सोयाबीन की, जो मैंने घर में बनाई है। और बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है जब हम घर में बना सकते हैं, और फिर हमें पता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है, क्योंकि मार्केट से जो आप चाप लाते हैं उसमें तो पता नहीं होता कि मैदा कितनी है और दाल कितनी है। हम घर में बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसे। और मैंने बनाई है, बहुत अच्छी भी बनी है। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो सोयाबीन चाप बनाने के लिए जो सामग्री की ज़रूरत है हमें, वो है देखिए, ये सोयाबीन है, सोयाबीन के दाने हैं ये, और ये हैं सोयाबीन की बरी हैं जो मार्केट में मिलती हैं। तो ये मैंने पैकेट वाली ली हैं, आप भी पैकेट वाली ही लें, वो ज़्यादा ठीक रहती हैं लूज से। और ये है मैदा। तो ये सोयाबीन का जो दाने हैं ये, इनको हमें रात में भिगोना है और करीब 6-7 घंटे के लिए इन्हें भीगना ज़रूरी है। तो उसके बाद ये देखिए, मैंने रात भिगो दिए थे ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरे इस तरीके से तैयार हो गए हैं ये, एक मिनट, ये देखिए ये इस तरीके से हो गए हैं तैयार, और बिल्कुल लोभी की तरह लगते हैं देखने में। तो सबसे पहले हमें इन्हें, इसको ग्राइंड करना है, ये सोयाबीन की जो दाल है हमारी, इसको हमें ग्राइंड करना है और पेस्ट बनाना है, मतलब इसका। देखिए पानी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये बरी ऐड कर दूंगी, और गैस मैंने ऑफ कर दी है। तो बस ये 5 मिनट में फूल जाएंगी ये, फिर मैं इनको इसमें से निकाल के और निचोड़ दूंगी। ये मैंने भिगो दिए थे, देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये, और इनको मैं हाथ में लेके और अच्छी तरह निचोड़ लूंगी, ऐसे इस तरीके से मुट्ठी में करेंगे तो सब निचोड़ जाएंगे। ये देखिए पानी नहीं रहना चाहिए इनमें बिल्कुल भी। और अब इन्हें मैं मिक्सी में पीस लूंगी। अब ये हमारे ये सोयाबीन क्रश हो गया है, और ये हमारा सोयाबीन की जो दाल थी वो है पिसी हुई। अब हमें इसको ना मिक्स करना है और एक डो की तरह बनाना है, जैसे आटा बनाते हैं। और ये जो मैंने मैदा ली थी, थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये थोड़ी थोड़ी करके मैदा मैं इसमें ऐड करूंगी और आटे की तरह इसको बना दूंगी। तो जितनी मैदा हमें इसमें लगेगी इसका डो बनाने में, बस उतनी मैदा लगाएंगे हम, बाकी हम रोक लेंगे। तो देखिए डो तैयार हो गया है मेरा। अब मैं हल्का सा ऑयल लूंगी हाथ में, और इसको हम सेट करके रखेंगे, इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, और फिर हम इसके चाप बनानी शुरू करेंगे। और फिर 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको, देखिए ये तैयार है मेरा आटा, अब मैं इसकी लोइयां बना के रखूंगी। तो हाथ में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे पहले, और इसकी बड़ी बड़ी गोले बना के रख लेंगे, ये बॉल्स इसके बड़े साइज के बनाने हैं काफी, जिससे कि एक बार में हम दो, कम से कम दो चाप तो बना ही लें एक लोई में से। तो इतनी बड़ी बड़ी बना के और हम इन्हें रख देंगे, इस तरीके से मैं सारी रख लूंगी बना के। तो अब सबसे पहले ये लोइयां जो है इसको लेंगे हम, और लगाएंगे इसमें हल्का सा परोठा, इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे, और बड़े साइज में बेलना है हमें, बहुत पतला नहीं करना, बहुत मोटा नहीं रखना, इसे बहुत आराम से बेल जाएगा। और अगर लगे कि चिपक रहा है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मैदा नीचे लगा लें, या आटा, साइड के निकाल देंगे, निकाल दीजिए, और एक एक करके इसको उठाएंगे आराम से, देखिए इस तरीके से। और ये लिए मैंने, ये स्टिक्स हैं जो आइस, ये तो खैर चम्मच है लकड़ी की, पर आप स्टिक लें आइसक्रीम की, तो उसमें हमें इन्हें लपेटना है। तो इस तरीके से इसको रखेंगे नीचे, और एक साइड से ऐसे करेंगे, और इसको हम ऐसे करके, और इसको हम लपेटते जाएंगे, जैसे मार्केट से आती है ना इस, ये चॉप स्टिक्स होती है ये इसकी, तो बिल्कुल उसी तरीके से इनको हम लगाते जाएंगे। देखिए, और पहले मैं सारे बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए ये बन गई हैं, और अब इन्हें हम करेंगे पानी में बॉईल।
तो अब ये चापों को हमें करना है बॉयल। तो मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो बड़े साइज़ का बर्तन रखना इसके लिए ठीक रहता है। और जब पानी उसमें खूब खौल गया, उसके बाद मैंने ये अपनी जो चापें बनाई हुई हैं मैंने सोयाबीन की, वो उसमें सब मैंने ऐड कर दी। और इन्हें अभी हमें इसमें बॉयल करना है 5 से 10 मिनट के लिए, और बीच बीच में पलटते रहना है जिससे कि ये पक जाए अंदर तक। ये देखिए, ये मैंने बीच में पलट दिए हैं सब, और ये पकानी बहुत ज़रूरी है वरना कच्ची रह जाएंगी ये। तो इसी तरीके से पलट पलट के हमें ये पका लेनी है। और ये अब मैंने गैस ऑफ कर दी है, ये तैयार हैं बिल्कुल। और मैं इन्हें एक छन्नी में निकाल लूँगी और इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा जिससे कि, और थोड़ी ठंडी भी हो जाएंगी। और जब थोड़ी ठंडी हो जाएंगी फिर मैं इन्हें ठंडे पानी में डालूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए, ठंडे पानी में इनको 5 मिनट के लिए डाल के और फिर मैं इन्हें निकाल दूँगी। और निकाल के फिर मैं इन्हें, मुझे इन्हें प्रिजर्व करके रखना है, स्टोर करके रखना है। उसके लिए मैं लूँगी एक जिप लॉक बैग और उसमें मैं इनको पलट के, ये देखिए जिप लॉक बैग ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें इनको पलट के अच्छी तरह और ऊपर से जिप लगा के इनकी डीप फ्रीज कर लूँगी अपने फ्रीज़र में रख के। और जब बनानी होगी निकाल के इनको थोड़ी देर के लिए नॉर्मल पानी में भिगो के और फिर हम इनको बना सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाइए, एक बार घर में ट्राई कीजिए, बहुत इजीली बन जाएंगी। और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।